कला दुख और वेदना की संतान है। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, ये सुक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान पर, जो हमारे बीच नहीं रहे। थिएटर जिनके रोम रोम में बसता था, जिनके अभिनय की भाषा आसपास मौजूद लोगों के दुख दर्द और थिएटर से सीखी थी। कमर्शियल फिल्मों का कभी पक्षधर नहीं रहे, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद ने उसे इसमें घसीट लिया। मुंबई के चालू सिनेमा के जाल में कभी नहीं फंसे इरफान। हिंदी सिनेमा को काफी हद तक उन्होंने बदला। जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की, सिनेमा थिएटर को जितना उन्होंने बदला, कोई दूसरा शायद ही कभी उस शोहरत को छू सकेगा। इस खास रिपोर्ट में हम आपसे इरफान खान की अंतिम ख्वाहिश के बारे में बताने वाले हैं। कौन कहता है कि सितारों की सभी ख्वाहिशें पूरी होती हैं? कौन कहता है कि सितारे जो चाहते हैं वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है? इरफान हिंदी सिनेमा जगत का इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी अपनी एक ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि जिंदगी ने उन्हें मौके नहीं दिए, मगर शायद इरफान ने भी नहीं सोचा था कि उनके हाथों से रेत की तरह जिंदगी फिसल जाएगी। काश कि उन्हें अंदाजा होता तो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर देते। इस अधूरी ख्वाहिश का बोझ अपने साथ लेकर इस दुनिया से नहीं जाते। इरफान के निधन के बाद उनके बेहद करीबी दोस्त इद्रिश मलिक से बातचीत की गई और उन्होंने इरफान खान की अधूरी ख्वाहिश के बारे में बताया। इद्रिश ने बताया, कई बार इरफान परिवार के साथ मेरे घर नैनीताल घूमने के लिए आया। पहाड़ में रहना, घूमना, यहाँ की प्रकृति से उसे बहुत लगाव था। अक्सर बातचीत में कहता, मन करता है यहीं बस जाऊं। मुंबई में उसका पहला घर मैंने ही खरीदने में मदद की। 2 साल पहले ही उसने रामगढ़ में कॉटेज लिया। पहाड़ों में उसका मन खूब लगता। इरफान की ख्वाहिश थी कि यहाँ गुरुकुल परंपरा के हिसाब से एक ड्रामा स्कूल शुरू करेंगे। इरफान के दोस्त बताते हैं कि उसने मुझसे कहा था कि कैंसर से उबर जाऊं तो नैनीताल में परिवार के साथ आकर लंबा वक्त गुजारूंगा। नैनीताल के ग्रीष्मकालीन नाट्य महोत्सव में भी इस बार हिस्सा लेने का उसने वादा किया। अफसोस, उसने एक वादा किया जो अब कभी पूरा नहीं होगा। कला संस्कृति की दुनिया में उसने जो जगह बनाई, उसे कभी नहीं भरा जा सकता। इरफान खान की ख्वाहिश थी कि वो पहाड़ों में घर बनाना चाहते हैं, और ये ख्वाहिश इरफान के इस दुनिया से चले जाने के साथ अधूरी रह गई। ख्वाहिश इरफान की और जीने की भी थी। वो जीना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, अपनी पत्नी सुतापा के साथ वक्त बिताना चाहते थे, मगर जिंदगी ज़रा कम पड़ गई। इरफान अपनी माँ से मिलना चाहते थे, मगर अफसोस, उनके निधन से 3 दिन पहले ही उनकी माँ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कौन कहता है कि सितारों की सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं? यहाँ अधूरी ख्वाहिशों का बोझ अपने साथ लेकर इरफान इस दुनिया से गए हैं, और उनकी ये ख्वाहिशें उनके चाहने वालों की आंखें नम कर रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।